हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, बिटकॉइन जो है वो अभी भी 50,000 के ऊपर है भैया। अब बारी है 60,000 की, और शायद अगले हफ्ते तक हम लोग वो टारगेट भी जो है वो अचीव कर ले। बिटकॉइन का यही है, एक बार शुरू हुआ तो गाड़ी रुकेगी नहीं। तो कितना पॉसिबल है अगले हफ्ते तक $60,000? आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, इथेरियम के बारे में बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन्स देखेंगे, और आज का ऑल्ट कॉइन ऑफ द डे लाइट कॉइन उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। देखो, अब जो बिटकॉइन है ना वो उस पोजीशन पे है कि जहां पे हमें प्रॉफिट्स लेने हैं, लेकिन प्रॉफिट्स लेने कहाँ है वो आपको प्रॉफिट ट्रेडर्स बताएंगे। ओके, तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करोगे, तभी आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉइन मार्केट कैप से। तो आज मार्केट जो है वो $2.3 trillion के आसपास है, 2.27 है, बट ऑलमोस्ट 2.3। तो बहुत ही अच्छा खासा मार्केट जो है वो एक महीने में रिकवर हुआ है। बिटकॉइन 1% ऊपर है, कल भी 50,000 के आसपास था। तो अगर हम लोग चार्ट्स में जाते हैं, ओके, और हम लोग बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं, तो आप देखिए, कल मैंने आपको बोला था कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है जो हमने ब्रेक की है, और हमें जो ट्रेड लेना था वो इस येलो लाइन से लेना था। तो हम लोगों ने उसको 48,000, ये 48,668 ऑलमोस्ट, आई बॉट इट एट 48,700, तो वहां पे हमने बाय किया। अभी हमें इसे होल्ड कहां तक करना है, हमारे टारगेट तक, जो रहेगा $57,000 का। ओके, तो क्या एक हफ्ते तक हम लोग वहां जा सकते हैं एक हफ्ते में? होपफुली येस। ओके, वैसे भी 17-18% का मूव है, लेकिन एक्चुअली सेंटिमेंट भी बहुत पॉजिटिव है यार। तो मुझे लग रहा है अगले हफ्ते तक हम लोग ये टारगेट तो अचीव कर ही देंगे। नहीं भी अगर किए तो मिड ऑफ सितंबर, उसके नेक्स्ट वीक तक हम लोग 50,000 के ऊपर ही रहने वाले हैं, और ऑलमोस्ट 57 को टेस्ट करने ही वाले हैं। ओके, तो यहाँ डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने ट्रेड हमारे साथ लिया है भैया, ट्रेड में बने रहो। जिन लोगों ने नहीं लिया है वो अभी थोड़ा सा वेट करो। आई फील अगर तुम्हें 49,500 के अराउंड अगर वापस मिले तो एंट्री बना लो। ओके, और बिटकॉइन के बारे में ढेर सारी बुलिश न्यूज भी है। क्यों मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये एक हफ्ते में या दो हफ्ते में 57,000 मार देगा, वो इस वजह से, अगर तुम देखोगे तो 77% रशियंस जो है वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड की जगह। बहुत ही बढ़िया, 3 ही दिन बाकी है एल सेल्वेडोर को एडॉप्ट करने के लिए बिटकॉइन को, तो ये भी बहुत ही बड़ी न्यूज है। तो ऐसे अच्छे खासे जो न्यूज है ये बिटकॉइन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुश देने वाले हैं। ओके, तो मेक श्योर होल्ड करो। और दूसरा टोकन इथेरियम, जिसकी हमने कल भी बात की थी भैया 4,000 के ऊपर, आज जो है वो जाके आया है। मैंने आपको कल ही बोला था ये एक फ्लैग बन रहा है, अभी भी इस फ्लैग का टारगेट जो है वो टच नहीं किया है, जो ऑलमोस्ट 41,4149, सो $4,150 के आसपास है। तो अभी भी वहां जाना बाकी है। सो ये ट्रेड अभी आधा ही हुआ है और हम लोग इसे होल्ड करके ही रखेंगे, बट प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा आया है। अगर आप देखोगे तो अभी तो हम लोग वापस नीचे आ गए हैं, बट आप देखो ऑलमोस्ट 5%, और अभी भी हम लोग 2.5% जो है वो ऊपर ही है। तो होल्ड करके रखा तो ये डेफिनेटली जो है वो 8-10% का मूव यहाँ देगा। ओके, उसके अलावा अगर आप देखते हैं जो कॉइन आज बहुत ही अच्छा कर रहे हैं यार, ये टोकन तो कसम से भैया बहुत ही गजब है, हर रोज ये टॉप गेनर्स में तो दिखता ही है। उसके बाद लाइट कॉइन, जो हमारा आज का ऑल्ट कॉइन ऑफ द डे है सोलाना, इसकी भी गाड़ी रुक नहीं रही है। तो काफी टोकन जो है वो आज भी रेड में है, बट डबल डिजिट जो है वो थोड़े कम है, एटलीस्ट टॉप 100 में तो थोड़े कम है। ओके, और जो रेड में है वो भी सब टोकन वैसे ही है। एम्प काफी दिनों से रेड में है, तो ये अभी एक अच्छा बाय है, ये बहुत दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। अब यूनिस्वैप के पीछे SEC पड़ी है, तो इनका इसलिए 4% जो है वो ये लोग नीचे है, बट अगेन मैं वही कहूंगा इनका भी रिपल की तरह केस है भैया। अगर ये टोकन तुम्हें $20 के आसपास मिले तो आंखें बंद करके बाय करो, आंखें बंद करके, मतलब सोचो भी मत दोबारा। ओके,
बाकी कॉइन्स भी जो है वो अच्छे खासे थोड़े करेक्ट हुए हैं, सिंथेटिक्स नीचे है, इसमें भी बहुत अच्छा ट्रेड है, अभी तक ये मूव नहीं हुआ है टोकन, सो मेक श्योर इसे बाय करो, न्यूज भी है इसमें काफी। ओके, आईसीपी के बारे में न्यूज है, उन्होंने आज जो है वो कुछ फ्री के एयर ड्रॉप किए थे अपने एनएफटीज, बट काफी यूजर्स को जो है वो इश्यूज आए उनको क्लेम करने में, सो उसकी वजह से आईसीपी भी आज नीचे है। ओके, और अब हम लोग जो है बात करते हैं हमारे ऑल्ट कॉइन ऑफ द डे की, जो है लाइट कॉइन। ओके, तो लाइट कॉइन जो है अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप में ऑलमोस्ट वो 11 या 12 नंबर पे है, कुछ शायद उससे भी नीचे नहीं, 12 नंबर पे है। मार्केट कैप 14 बिलियन डॉलर्स का है। ये बिटकॉइन का फोक ऐसा था, इसलिए बनाया था, चार्ली लीज के ओनर है, तो वो ये डेवलपर मैं बोल सकता हूँ, वो गूगल में, Coinbase में, वो हर जगह वो डेवलपर रहे हैं, तो उन्होंने ये टोकन बनाया था ये सोच के कि यार जैसे गोल्ड के लिए सिल्वर है वैसे ही बिटकॉइन के लिए लाइट कॉइन होगा, और फिर बिटकॉइन में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी तो उन्होंने लाइट कॉइन को और एडवांस्ड बनाया, सिक्योर्ड बनाया, फास्ट बनाया, स्पीड कम बनाई, तो मतलब काफी उन्होंने उसको इम्प्रूव किया। बट उन्होंने सबसे बड़ा झटका लोगों को क्यों दिया, उन्होंने अपना पूरा लाइट कॉइन बेच दिया। तो जब अब मालिक ही अपना कॉइन बेच रहा है तो तुम समझ रहे हो ऐसा, फिर लोगों को तो थोड़ा झटका आता ही है, वैसे ही डॉज में भी हुआ, लेकिन आज उसका मालिक रो रहा है। तो लाइट कॉइन जब उन्होंने बेचा था चार्ली ने, उसने एकदम टॉप में $400 के आसपास उन्होंने बेचा था, 363 के, तो उन्होंने तो सॉलिड प्रॉफिट बनाया है, तो इसीलिए ये टोकन जो है ये लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं है। ओके, मैं आप लोगों को अभी से क्लियर करता हूं, मैं ओन करता हूँ लाइट कॉइन, मेरे पास है भी, बट अगेन वो क्विक प्रॉफिट्स के लिए है, और तुम्हें जब भी मौका मिले, मेरा टारगेट है उसमें $600, जैसे ही 600 टच करेगा मैं बेच के बाहर, तो मैं आपको भी वही सजेस्ट करूंगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो चार्ट्स में भी ये टोकन जो है वो अच्छा खासा रेडी है अभी बढ़ने के लिए। ओके, तो मैं अगर आपको चार्ट में लाइट कॉइन दिखाता हूं, और इसके लिए हम लोग चलते हैं वीकली में। ओके, तो अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो हमारा जो है वो बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस था $165 के आसपास। ओके, लेकिन जब भी हमने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, आप देखेंगे यहाँ पे भी जब हमने ब्रेक किया तो बहुत ही अच्छा खासा पंप आया, यहाँ पे वापस जब ब्रेक किया, सपोर्ट कंफर्म किया तो बहुत ही अच्छा खासा पंप आया, अभी भी वही हो रहा है, तो आपको बहुत ही जल्दी एक अच्छा खासा $420 का रीटेस्ट और उसके बाद $614 का टारगेट दिसंबर तक हिट होके मिलने वाला है। सो मेक श्योर, मतलब जैसे मैंने किया है, मैंने थोड़ा सा बाय किया है, बाय करके होल्ड किया है और वो अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, सो आई एम नॉट वरीड। तो आपको भी अगर अच्छा लगे तो अभी बाइंग के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। ओके, और उसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरा, ये वास्ट बैंक है कि यूएस में, उन्होंने भी अलाउ किया कि भैया तुम लाइट कॉइन जो है वो बाय और सेल कर सकते हो उनके बैंक के थ्रू, सो अगेन बड़ी न्यूज है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो लाइट कॉइन की कम्युनिटी 750,000 फॉलोअर्स, तो बहुत बिलीवर्स है इस टोकन के, तो ये वैसे ही आगे भी बढ़ने वाला है। ओके, फिर उसके बाद दूसरी बड़ी न्यूज ग्रे स्केल से, तो ग्रे स्केल ने जो है वो 174,000 लाइट कॉइन जो है वो ऐड किए हैं अपने होल्डिंग्स में। ओके, तो इसके साथ अगर आप देखोगे उनके होल्डिंग्स में लाइट कॉइन जो है वो चौथे नंबर पे है, तो अगर ये इतने बड़ी अमाउंट में लाइट कॉइन को होल्ड करके बैठे हैं तो भैया उसका कुछ तो रीजन है। सो जहां बड़े इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं, जब तुम वहां पैसा डालते हो तो पैसा डूबने के चांसेस नहीं होते, और मैं वही करता हूं कि तुम्हें रिस्क क्यों लेना, तुम अगर इन्वेस्टर से पहले कोई अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढो तो और अच्छी बात है, बट अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो वहां पैसा लगाओ जहां बड़े लोग लगा रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी रिसर्च करके लगा रहे, वो ऑलरेडी लाखों करोड़ों लोगों का पैसा लेके वहां बैठे, सो उसके डूबने के चांसेस बहुत ही कम है। लाइट कॉइन का टारगेट जो रहेगा वो रहेगा $600, होल्डिंग जो रहेगी वो रहेगी शॉर्ट टर्म, फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग है, ढेर सारी यूजर्स है, कम्युनिटी स्ट्रांग है, तो मैं वही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा बहुत तो आपके पोर्टफोलियो में ये टोकन होना चाहिए। ओके, तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, आपसे कल मुलाकात होगी, थैंक यू सो मच।